दोस्तों अफगानिस्तान की जीत से अब भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसे खेला जाएगा वर्ल्ड कप 2023 का यानी कि फाइनल मुकाबला। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं वर्ल्ड कप 2023 का पूरा पॉइंट टेबल क्या होने वाला है और किस समीकरण से भारत और पाकिस्तान के बीच में फाइनल मुकाबला होगा। सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है आज वर्ल्ड कप 2023 का 34वां मुकाबला नीदरलैंड और अफगानिस्तान के बीच में खेला गया, जिसमें नीदरलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 179 रन स्कोर पर लगाए 10 विकेट खोने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा साई ब्रेंट ने 58 रन की तूफानी पारी खेली। मगर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब अफगानिस्तान की टीम जब मैदान पर आई तो अफगानिस्तान की ओर से रहमानुल्लाह गुरबाज 10 रन के स्कोर पर आउट हो गए और वहीं इब्राहिम जॉर्डन 20 रन के स्कोर तक आउट हो गए। उसके बाद दोस्तों ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान की टीम इस मुकाबले को नहीं जीत पाएगी। मगर दोस्तों तीसरे और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए रहमत तौरे साइदी ने यानी कि नीदरलैंड के गेंदबाजों के परखच्चे सोड़ा कर रख दिए, जिसमें साइदी ने 56 रन की तूफानी पारी खेली और वहीं रहमत ने 52 रन का योगदान दिया और इस तरीके से इस मुकाबले को अफगानिस्तान की टीम ने 7 विकेट से जीतकर इतिहास रच दिया। मगर दोस्तों आपको बता दें इस समय भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर मौजूद है 14 पॉइंट के साथ और भारतीय टीम सेमीफाइनल में यानी क्वालिफाई कर चुकी है। तो चलिए गाइस अब आपको समझाते हैं यानी पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल तक का सफर तय कैसे कर सकती है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम यानी अपने दो मुकाबलों में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम से हार जाती है और पाकिस्तान की टीम यानी कि अपने दो मुकाबलों को जीत जाती है तो न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी और वहीं पाकिस्तान की टीम चौथे नंबर पर पहुंच जाएगी। उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अगर दोस्तों इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा देती है और पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका की टीम को रौंद डालती है तो ये मान लीजिए कि वर्ल्ड कप 2023 का यानी फाइनल मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमें फिर से देखने के लिए मिल सकता है।